ये जो एक स्कैंडल चल रहा है आजकल, एक मदरसे के किसी मौलाना साहब का बच्चे के साथ बदफेली के बारे में, तो ये जो स्कैंडल सामने आया है मदरसे के मौलाना साहब का, इनके बारे में जो इत्तिलाआत आई हैं वो ये हैं कि ये एक बार नहीं, इनको दर्जनों बार मोहतरम को तंबीह की गई थी और इनकी कंप्लेंट्स की गई हैं, इसके बावजूद भी ये सुधरे नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में शरई गवाहों के साथ अदालत में केस चलना चाहिए और इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर शरी गवाह नहीं है तो जो भी जदीद ज़राए हैं किसी हकीकत तक पहुंचने के, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो रिकॉर्डिंग दुनिया देख रही है। लेकिन इसमें एक बात का ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि सज़ा लाजमी मिलनी चाहिए, ऐसी सूरत में जब एक चीज़ क्या हो गई है, सारी दुनिया के सामने ज़ाहिर हो गई है। और ज़ाहिर भी क्यों हुई है, इसलिए ज़ाहिर हुई है कि इत्तिलाआत ये हैं जो हमारे जो भी ज़राए थे, जहाँ से हमने मालूमात हासिल करने की कोशिश की, कि एक बार नहीं ये बार 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 तंबीह की गई है, बार बार तंबीह की गई है, बार बार बताया गया है, कंप्लेन थाने तक में लोगों ने जाके बताया कि भाई ये साहब ये हरकतें कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में तो बहुत पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये जुर्म आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, फैलता है। ये एक आदमी का पर्सनल मसला नहीं है, ये जहां इस तरह के बंदे होंगे 10 लोगों को इस बीमारी के अंदर मुब्तला करें।